जय हिंद सभी को, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्लॉग फौजी में। तो आज का दिन जो है हमारे लिए खास है, आप लोगों के लिए भी खास है, क्योंकि आज हमारे साथ में दो गेस्ट ही कहेंगे, ये तो हमारे साथ में बिल्कुल, ये जो ग्रुप है जब से शुरू हुआ, ये तब से शुरू से ही हमारे साथ में है शर्मा सर, और हमारे साथ में आज साहब ने जो ज्वाइन किया है 2010 बैच के, 2012 बैच के साहब, और इनसे जो गाइडेंस हम लोगों को मिलेगा वो एक होता है कि जिंदगी भर के लिए आप लोगों के लिए रह जाएगा और हमारे लिए भी। तो ये जो सर आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि 12 साल की आपकी जो जर्नी रही है, तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस हिसाब से आपने कैसे क्या किया चीज़ों को लेकर के इस फौज को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को SSC CPO के एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसके बाद जब भी फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं तो आप जो है सिस्टमेटिक तरीके से जब स्टडी करेंगे, स्टडी करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो आपका टारगेट है आपको उसके हिसाब से सोचना है, फिर उसके हिसाब से आपको वर्क करना है, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं फिर वर्क कैसे कर पाएंगे। आपको प्लानिंग करनी है, देन उसके बाद प्लानिंग करने के बाद आपको अपना जो है टाइम शेड्यूल बनाना है, स्टडी शेड्यूल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपना हर टाइम को स्पेयर करके जो है चीज़ों को लेके चलना है। जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से जब आप चीज़ों को लेके चलेंगे तो डेफिनेट आप जो है अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। हालांकि ये मेरा जो है 10 महीने की तैयारी में मेरा CPO का जो है सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं जो है CPO में जाऊं, बट कुछ हालात थे कि मुझे जो है CPO में जाना पड़ा, और इसी दौर में मैंने जो है तैयारी UPSC की, और UPSC की तैयारी करते करते जो है मैंने काफ़ी बार जो है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 4 बार इंटरव्यू दिया हुआ है, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट इससे कोई दिक्कत नहीं है, आदमी अगर तैयारी करता रहे तो हो ही जाता है। कुछ पारिवारिक चीज़ें रहीं जिसके कारण जो है मैं सफल नहीं हो पाया असिस्टेंट कमांडेंट, बाकी अभी मैं एज ए CISM में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जो है तैनात हूँ, और आपके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आप लोग जो है लगे रहिए, जरूर डेफिनेट आपको एक ना एक दिन आपके जीवन में सफलता ही मिलेंगी। एक चीज़ और भी सर, कि जैसे कि जो कई लड़के हैं वो CPO से ज्वाइन करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि गस्टेड उनको पोस्ट के लिए, कि असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा गाइड करिए लड़कों को कि जो CPO SI के थ्रू जो ज्वाइन करते हैं CISF को, तो कितने साल में असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर दे सकते हैं और कितने साल में वो निकाल सकते हैं उस चीज़ को। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको जो है एज ए सब इंस्पेक्टर 4 साल की सर्विस होना ज़रूरी है, और आपका रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए, जिससे आप लोग जो है ACLDC के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन आता है UPSC के थ्रू आता है, जिसमें फर्स्ट पेपर जो होता है वो सेम जो है डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम UPSC लेती है उसी प्रकार से होता है, जिसमें फर्स्ट पेपर जनरल स्टडी का रहता है और उसी के साथ में एक सब्जेक्टिव पेपर रहता है जिसमें ऐसे राइटिंग, पेसी राइटिंग और जो है कम्प्रीहेंशन, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। उसके बाद जब आप इस चीज़ को क्वालिफाई कर लेते हैं तो सेकेंडरी आपको जो है फिजिकल देना पड़ता है, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद में आपको जो है मेडिकल के लिए कॉल किया जाता है, मेडिकल क्वालिफाई होने के बाद UPSC आपका जो है इंटरव्यू लेती है, तो यही प्रोसेस है। नहीं सर, जैसे कि अभी जो लड़के हैं वो एक बार कहते हैं कि वो CGL के लिए भी ट्राई कर रहे हैं और CPO के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, तो अब लोगों का ये है कि CPO में क्या 4 साल के बाद में वो गस्टेड 454 ग्रेड पे हो जाएगा, क्या CGL में ऐसा है क्या? मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप UPSC के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि SSC और जो है UPSC बिल्कुल ही एकदम अलग अलग रास्ते हैं, क्योंकि जितना टाइम आपको UPSC प्रिपेयर करने के लिए जनरल स्टडी में देना पड़ता है, इतना SSC CGL या SSC CPO के लिए ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर एक आप लीसेंट की किताब से ही जो है जनरल स्टडी प्राप्त कर सकते हैं SSC CGL के लिए, CPO के लिए, बट जब आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको जो है पूरा एकदम बेस पढ़ना होता है, फाउंडेशन बनाना होता है, जो कि आप पूरी 6th to 12th तक की NCERT की बुक्स वगैरह से जो है पढ़ते हैं, और उसके बाद जनरल स्टडी की काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, पहले यूनिक पब्लिकेशन की जो बुक्स आती थी, अभी जो है काफ़ी लेटेस्ट जो है स्पेक्ट्रम की जनरल स्टडी आ रही है। और मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका टारगेट क्लियर है या आपका गोल क्लियर है, आप डिसाइड कीजिए कि आपको UPSC में जाना है या SSC में जाना है, अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि SSC CPO के बाद आप गजेटेड रैंक में, तो वहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप लोग जो है SSC CPO से आप जो है सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कीजिए, और 4 साल की सर्विस के बाद जो है आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप लोग जो है गजेटेड ऑफिसर एज ए असिस्टेंट कमांडेंट जो है UPSC के एग्ज़ाम क्लियर करके आप जो है
गजेटेड ऑफिसर जो है बन सकते हैं।